तो दोस्तों आज तो पांच ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक लेके आ चुका हूँ जो कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशन ट्रेडिंग में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। एंड लास्ट वाला स्टॉक जो है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा जो है आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ कर सकता है। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, एंट्री एग्जिट टारगेट लेवल सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ से सब कुछ छोड़ते हुए सबसे पहला जो स्टॉक है वो है NBCC इंडिया। तो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे हमारी अर्ली एंट्री थी इस ट्रेंड के बिहाफ पे और हमने 99% सिर्फ और सिर्फ 32-33 दिन में कमा लिया दोस्तों। एंड अगर आपको ऐसे अर्ली एंट्री चाहिए बिफोर दिस ट्रेंड, आप पोजिशनल यहाँ पे पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारे ऐसे ही ट्रेड्स मिलते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, स्टॉप लॉस आपका 5% का 131 रुपये के आसपास का रहने वाला न्यू ट्रेड के लिए। एंड यहीं पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.25 या 1.3 के बिहाफ पे 147 का फर्स्ट टारगेट जो कि छोटा सा रहेगा जो कि 6% का है, इस पे यहाँ पे आप अपनी ऑलमोस्ट 20% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट अगर हम बात करें 161 रुपये का है जो कि 16% का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आपका 26% का रहेगा जो कि लगभग 174 रुपये का रहेगा। और अगर आप यहाँ को इसको शॉर्ट टर्म के लिए या मिड टर्म के लिए अगर मैं बोलूँ कि 6 महीने साल 2 साल यहाँ पे छोड़ सकते हो तो यहाँ पे 202 लेवल यानी कि ऑलमोस्ट 46% का लेवल आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए 16-17% का बहुत स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। सो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है NCC का, और NCC लिमिटेड यहाँ पे अगर स्टॉक देखोगे तो हमने वहाँ पे पहले भी 23% के गेन किए थे और जो कि काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे हमने जो है 262 का लेवल निकाला, उसका ब्रेकआउट हुआ एंड इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेंड पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 5.5% का स्टॉप लॉस रखना है 259 के आसपास का। टारगेट अगर बात करें वही यहाँ पे 20% बुक कर लें 286 के लेवल पे, ऑलमोस्ट 5% का टारगेट। एंड नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 13-14% का है जो कि 309 रुपये का लेवल रहेगा दोस्तों। अगले टारगेट की बात करें तो 23% का, ऑलमोस्ट 23% का आपका पोजिशनल ट्रेड टारगेट रहेगा जो कि 335 का रहेगा। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए देख रहे हो तो 354 का लेवल लेके चल सकते हो जो कि 30% का है। एंड यहाँ पे 38% का लेवल भी है जो कि 376% का है दोस्तों, 376 रुपये का है सॉरी। यहाँ पे फिलहाल स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे आपको 13% का ही लेवल दिया जा रहा है दोस्तों NBCC इंडिया में, और सॉरी NCC में। IRB का जो दोस्तों है हमारा नेक्स्ट स्टॉक है, ये देखिए दोस्तों। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग खुद इंडिपेंडेंट होकर सीखना चाहते हो दोस्तों, हमारा जो है स्विंग ट्रेडिंग का मास्टर कोर्स चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फीस बहुत ही कम है दोस्तों, ज्वाइन कीजिएगा। 64.05 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको ब्रेक किया, बट वो लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना ये चैनल था, क्योंकि चैनल यहाँ पे जो है अगर वन आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो एक बहुत आपको ना ध्यान से देखिए यहाँ पे मतलब जिग जैग ऊपर नीचे और बढ़िया से ब्रेक आउट दिया है इसे, और यही ब्रेकआउट हमें चाहिए था। तो इस अपर चैनल को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है तो बुलिशनेस की तो हद पार हो सकती है यहाँ पे। एंड आप स्टॉप लॉस रखिएगा ऑलमोस्ट 4.5% का जो कि 64 रुपये और 15 पैसे का रहेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 6-7% का जो कि 71 रुपये 70 पैसे रहेगा, यहाँ पे अपनी 20% बुक कर लीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपका 78 रुपये का रहेगा जो कि ऑलमोस्ट 15-16% का रहेगा। अगर पोजिशनल टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जो है 85 रुपये और 75 पैसे का रहेगा जो कि 27% का टारगेट है। एंड अगर आप मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो 94 रुपये का लेवल देख सकते हो जो कि 40% का लेवल है। फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग के लिए 16% का टारगेट दिया है दोस्तों। हालांकि कोई एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करें सन फार्मा में, भैया इसने तो हमने मतलब इतना गेन किया है, ये देखिए यहाँ पे री एंट्री ली थी और प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, और मैं 36% 4 दिनों में दोस्तों, 36% 4 दिनों में कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, और यहाँ पे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का यही बेनिफिट रहता है। हालांकि मैंने फ्री वीडियो में भी बताया था, और 421 रुपये का लेवल जो दिया था वो हिट तो हुआ ही हुआ, दोबारा उसको ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। मैंने बोला था जब इसको ब्रेकआउट देगा तो 440-450 का लेवल जाएगा जो कि अभी यहाँ पे हिट होने को है। तो फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें, उससे पहले स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा इसके ओपनिंग का यानी कि 3.75% का स्टॉप लॉस रहने वाला, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 419 रुपये का। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4.25% का आपका टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 450 रुपये का लेवल का। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो 11% का जो कि 483 रुपये का रहेगा। 11% का टारगेट डिसेंट रहता है देखिए। 20% का टारगेट जो कि पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है
एंड अगर आप मिड टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो 26% का टारगेट एक्सपेक्ट करते हो, ये टारगेट जल्दी हिट हो सकता है 548 रुपये का दोस्तों। एंड स्पार्क में हो गया, अभी लास्ट वाला स्टॉक आपको मैंने बोला था कि ऐसा स्टॉक है कि आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को छोड़ सकते हो, हनीवेल ऑटो इंडस्ट्री, इसका शॉर्ट नेम है। अभी पहले इसको वीकली में दिखाता हूँ, और वीकली में यही फॉर्मेशन मैंने टाटा मोटर्स में भी बताई थी और कुछ टाइम पहले बताई थी, वहाँ पे स्टॉक 300-400 पे ट्रेड कर रहा था, और आज स्टॉक का प्राइस चेकआउट कीजिएगा दोस्तों कहाँ पे है। यह है दोस्तों ट्रायंगल ब्रेकआउट, माय फेवरेट पैटर्न ऑफ द कैंडलस्टिक्स वीकली टाइम फ्रेम पे। वो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे वहाँ से ब्रेकआउट देती है तो थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन या फिर एक आधा लेवल ऊपर तो चलेगा चलेगा, बट यहाँ से जो लेवल दिखेंगे ना आपको बहुत ऊपर तक दिखेंगे दोस्तों, यहाँ तक नहीं, जितने मेरा माउस है वहाँ पर माउस भी नहीं जा रहा, वहाँ तक दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इवन 2-3 साल के लिए छोड़ देते हो मिड टर्म के लिए, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो अभी की जो हमारी ट्रेड है वो हम डेली टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहूँगा। डेली टाइम फ्रेम पर एक लेवल जो है क्रॉस किया है 40,870 का। थोड़ा स्टॉक में आपको क्वान्टिटी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 3% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 40,870 का ही लेवल, 890 का मान लीजिए कहीं भी रफली। एंड फर्स्ट टारगेट भी यहाँ पे रिस्क रिटर्न रेशियो नेट नेट वन के हिसाब से आप 3% अगर आप यहाँ पे बुक करना चाहते हैं अर्ली, जैसे कि आपने 2 क्वांटिटी बाय किया तो 1 क्वांटिटी जैसे सेल कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय की हो तो यहाँ से सेल कर सकते हो, वरना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ दिन बाद होल्ड करना चाहते हो, मतलब कुछ दिन बाद बेचोगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-16% पे आप बुक कर सकते हो अपनी 50% क्वांटिटी, यानी कि एक आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अभी आप 2-3 स्टॉक लेते हो वो अलग बात है, और 10 स्टॉक से लेते हो वो भी अलग बात है, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे 27% का लेवल है जो कि 53,757 ऑलमोस्ट 53,800 का है। एंड अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें, ये पोजिशन ट्रेड टारगेट है, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 लाख का जो लेवल है इसका हिट होने से यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसका मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ साथ के साथ इसी वीडियो में। यहाँ से देखिएगा इससे रेंज को यहाँ पे मैं उठा के पहले तो यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये रेंज है लेवल यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट 69,000 का लेवल रहेगा। तो ये रेंज तो मतलब बहुत जल्दी हिट हो जाएगी 69,000 के लेवल की, तो ये है ऑलमोस्ट 62%। तो इतना तो आप अर्ली एक्सपेक्ट कर सकते हो जल्दी ही। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।